आईएस को पनाह देने वाले महबूबा मुफ्ती, राशिद अलवी और सलमान खुर्शीद जैसे लोग हैं। इस देश में धर्म के साथ राजनीति करना गलत है। ये हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। आईएस को पनाह देने वाले महबूबा मुफ्ती, राशिद अलवी और सलमान खुर्शीद जैसे लोग हैं। इस देश में धर्म के साथ राजनीति करना गलत है। ये हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी। इनसे जानना चाहेंगे, सलमान खुर्शीद हो, उनके बयानों को लेकर जो है लगातार विवाद, हिंदू समाज जो है लगातार विरोध, महबूबा मुफ्ती किस तरह से देखते हैं और उन्होंने ये कहा है आरएसएस और बीजेपी की तुलना आईएसआई के साथ की है, किस तरह से देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखिए, नंबर एक तो आरएसएस को किसी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। ये एक सामाजिक संगठन है जिसके बारे में लोग जानते हैं। आईएस को पनाह देने वाले महबूबा मुफ्ती, राशिद अलवी और सलमान खुर्शीद जैसे लोग हैं। इस देश में धर्म के साथ राजनीति करना गलत है। ये हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हैं। कांग्रेस ने इसको अभी हमेशा से वोट बैंक समझा है और तभी कांग्रेस को हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया। मगर महबूबा मुफ्ती तो आरएसएस और बीजेपी पर तंज कस रही है। देखिए, महबूबा मुफ्ती ने आज तक जो नफरत की राजनीति है, आज जिस प्रकार से कश्मीर में अमन शांति हो रही है, तो उनको शायद उनकी दुकानें बंद हो गई हैं। इसी का परिणाम है कि उनके अपने लोग उनको छोड़ करके जा रहे हैं। उनके साथ कितने मंत्री थे, मैं भी सरकार में था, सभी ने उनको छोड़ दिया है। तो इस सभी में ये खुद समझ लेना चाहिए, वो अपना अपना अस्तित्व जम्मू में ढूंढ रही हैं। तो लगता नहीं कि इस प्रकार के लोगों को नफरत की राजनीति आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में चलेगी। क्या लगता है कि इस तरह की टिप्पणी करना सलमान खुर्शीद हो या फिर राहुल गांधी हो, क्या लगता है कि क्या चुनाव पास आ रहे हैं तो इस तरह के बयान देकर जो है कहीं ना कहीं सियासत को तूल देना चाहते हैं? देखो, स्वाभाविक बात है कि इलेक्शन जब होता है तो इस प्रकार की चीज़ें की जाती हैं। और गुलाम नबी आज़ाद जो एक इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने ही उस चीज़ को नकारा है। जी, उन्होंने कहा है ये गलत है। जी, किसी के धर्म को, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे हिंदू समाज हो, चाहे वो सिख समाज हो या कोई भी समाज, को किसी के धर्म पर बोलना गलत बात है और इसके लिए मुझे लगता है अच्छी बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। तो देखिए, आप हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी, जिन्होंने साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर भी तंज कसा है। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद के बयानों की बात की जाए तो उन्होंने तुलना ये की है कि ये बयान जो है काफ़ी निंदनीय है। और आज हमारे साथ बातचीत कर रहे थे पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता, देखा आपने साफ तौर पर जो कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।